हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून, सो इफ यू आर नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सो काइंडली प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. So friends, this is question number one. Textiles can be managed by, आपसे पूछा जा रहा है कि textiles जो हैं वो कैसे manage हो सकती हैं। चलिए देखते हैं option number one की तरफ। Being creased, this leads to splitting of textiles. अगर हम creased देखते हैं textile को, इसकी वजह से क्या स्प्लिटिंग्स ऑफ टेक्सटाइल हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, लाइट एंड यूवी रेडिएशंस कॉजिंग फेडिंग। लाइट और यूवी रेडिएशंस की वजह से जो फेडिंग कॉज होती है एंड सेटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच वीकन्स द टेक्सटाइल। क्या जो यूवी रेडिएशंस की वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है उसकी वजह से फाइबर वीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है मोल्ड इंसेक्ट्स एंड पोल्यूटेंट्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। तो ये सारे रीजंस जो हैं ये कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन हैंडलिंग टेक्सटाइल्स, जब भी हम टेक्सटाइल्स को हैंडल करते हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ट्राई टू टच एज लिटल ऑफ देम एज यू कैन, आप उससे कम से कम टच करिए। Always pick them up by one part only. हमेशा एक ही जगह से उस textiles को उठाइए। Option number two, fold them as neatly as small as possible to make handling easier. उसको सबसे ज़्यादा small fold करिए, जितना आप fold कम कर सकते हैं। Option number three, ever pick them up by one corner and always support the weight of the textile evenly. हर जगह से वो evenly pick up हो, ये responsibility ensure करना आपका role है। ऑप्शन नंबर डी, हैव क्लीन हैंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम कभी टेक्सटाइल को हैंडल करते हैं, प्लीज उसे कहीं पर भी एक कॉर्नर से नहीं उठाएं, उसको हमेशा इक्वल सपोर्ट दें और हर जगह से इक्वल कैरी करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, टू लेबल अ टेक्सटाइल, अगर मुझे किसी टेक्सटाइल को लेबल करना है तो मुझे क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन है राइट इन परमानेंट इंक ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेक्सटाइल और ऑन द कॉलर ऑफ द कॉस्ट्यूम। या तो आप कॉस्ट्यूम में या फिर परमानेंट इंक से टेक्सटाइल में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है राइट इन परमानेंट इंक ऑन अ स्टिकी लेबल एंड स्टिक दिस टू द टेक्सटाइल। परमानेंट इंक से आप एक स्टिकी लेबल पे लिख लीजिए और उसे पेस्ट कर दीजिए। मशीन स्यू अ लेबल टू द टेक्सटाइल, आप मशीन से उसे स्यू कर सकते हैं। राइट द लेबल ऑन टू द कॉटन टेप एट अटैच दिस टू द टेक्सटाइल विद वन और टू हैंड स्टिचेस, और आप उसे लेबल को लिख दीजिए कॉटन टेप के ऊपर और उसे अटैच कर दीजिए टेक्सटाइल को एक या दो हैंड स्टिचेस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट इन परमानेंट इंक ऑन अ स्टिकी लेबल एंड स्टिक दिस टू द टेक्सटाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आपके सामने, Which of the following statement is true? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी statement जो है वो true है, सच कह रही है। Historic costume should not be worn if you wish to preserve it. आपको historic costumes नहीं पहनने चाहिए अगर आप उसे preserve करना चाहते हैं। Body oils and perspiration will not damage textile. आपकी body oil से या फिर perspiration, sweat से textiles damage नहीं होंगे। ऑप्शन थ्री है द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ वियरिंग अ गारमेंट कैन कॉज ग्रेट डील ऑफ डैमेज, जिस स्ट्रेस और स्ट्रेन से आप उसे पहन रहे हैं उससे डैमेज हो सकता है। ऑप्शन डी है हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम शुड बी वॉर्न ऑन फेस्टिव ओकेजन स्पेशली इन्वॉल्विंग फूड एंड ड्रिंक। या तो उसका तरीका ये है कि आप उन्हें सिर्फ ओकेजन्स में पहने ताकि आप उसे फूड और ड्रिंक से बचा सकें। सो ये सारे ऑप्शन की जगह ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू है। हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम शुड नॉट बी वॉर्न इफ यू विश टू प्रिजर्व इट, उसका एक ही तरीका है कि आप उसे नहीं पहने अगर आप उसे लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, स्मॉल फ्लैट टेक्सटाइल्स, जो स्मॉल फ्लैट टेक्सटाइल्स हैं वो क्या होते हैं। शुड बी स्टोर्ड इन डैक्रिन सॉसेजेस में स्टोर करना चाहिए। शुड बी स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक से ऊपर स्टैक करना चाहिए प्रॉपरली। Should always be rolled, हमेशा रोल करना चाहिए। Can simply be stored flat with an interleaving if
आइटम्स आर टू बी स्टैक्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुड बी स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ अदर। हमेशा स्टैक करके एक तरीके से आप रखेंगे अगर स्मॉल फ्लैट टेक्सटाइल्स को, तो वो कभी भी खराब नहीं होते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन रोलिंग अ लार्ज टेक्सटाइल फॉर स्टोरेज, जब भी कभी आप लार्ज टेक्सटाइल को रोल करते हैं स्टोरेज के लिए, चूज अ रोलर दैट इज लॉन्गर देन आइटम इज वाइड। तो क्या यह आंसर होना चाहिए कि आपको रोलर को लंबा चूज करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। When displaying textiles, जब भी हम कभी textiles को display करते हैं, be aware that light and UV radiation are greatest enemies of textile। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि light और UV radiation जो है वो greatest enemy है textile के लिए। Use acid free materials in the display items। आप अपने acid free material का इस्तेमाल कर सकते हैं। Ensure that your textiles are well supported। आप ensure करेंगे कि आपके जो textiles हैं वो well supported रहें, या option D, Protect your textiles from fluctuation in relative humidity and temperature, dust, insects and pollutants। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। हमेशा टेक्सटाइल्स को फ्लक्चुएशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इंसेक्ट्स और पॉल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करके रखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम्स कैन बी, हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम्स और क्या कर सकते हैं। स्टोर्ड ऑन वायर कोट हैंगर्स, आप वायर कोट हैंगर में स्टोर कर सकते हैं। डिस्प्ले सेफली ऑन मैनिक्विंस, इफ मैनिक्विंस आर टेकन टू मॉडिफाई द मैनिक्विन टू द अप्रोप्रिएट शेप, मैनिक्विंस को एक अप्रोप्रिएट शेप देके उन पर रख दीजिए। ऑप्शन सी कहता है वॉन रेगुलरली विद द राइट अंडरगार्मेंट्स, रोज पहनिए अंडरगार्मेंट्स करेक्ट के साथ। ऑप्शन डी प्रोटेक्टेड इन स्टोरेज बाय हैंगिंग देम टू पैडेड हैंगर्स एंड कवरिंग देम टू कीप ऑफ डस्ट। आप उन्हें पैडेड हैंगर्स में हैंग कर सकते हैं और डस्ट से दूर रखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। टू क्लीन टेक्सटाइल्स, अगर मुझे टेक्सटाइल्स की साफ सफाई रखनी है तो प्रोसीड विद कॉशन एंड यूज अ वैक्यूम ब्रशिंग टेक्निक। कॉशन से प्रोसीड करिए, ध्यान से रखिए और एक वैक्यूम ब्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए। ऑप्शन टू है वॉश देम इन वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन में धोइए। ऑप्शन थ्री यूज द फुल सक्शन ऑफ योर वैक्यूम क्लीनर टू इंश्योर यू कीप द डर्ट आउट एंड यूज कारपेट बीटर। तो इसमें से क्या ऑप्शन आप टेक्सटाइल्स को ध्यान से यूज करेंगे क्लीन करने के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, वॉश देम इन वॉशिंग मशीन। आगे चलते हैं और देखते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन। A fabric in which a non-woven web is combined with a woven knitted or stitch layer is called। एक ऐसा fabric जो non-woven web से combined है, उसमें woven, knitted और stitched bonded layers हैं, तो उसे क्या कहते हैं। Supplemented fabric, built-up fabric, supported fabric या superwoven fabric। तो जल्दी से बताएंगे इसका correct answer। इसका correct answer हो गया option number B, built-up fabric। So this is all for today. Welcome back friends, I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye-bye.